देख रहे हैं माय होम विद किचन। तो मैं आज बना रही हूँ माश की दाल, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। चलिए मैं इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ। एक पाव मैंने दाल लिया और इसे मैंने 3 घंटे तक भिगो के रख दिया था। इसे साफ पानी में वॉश कर लिया। अब एक मीडियम साइज़ की प्याज लिया और इसे हमने चॉप करा जिस तरह हम अंडे में डालते हैं। और एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया, इसे हमने चॉप कर लिया बारीक बारीक। 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 3-4 हरी मिर्च ली और इसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया। एक छोटे साइज़ का अदरक लिया, इसे मैंने लंबा काट लिया। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 2 टीस्पून हरा धनिया, 1/2 कप ऑयल लिया। अब मैं इसे बॉईल करने रखूँगी। इसे ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, मैं इसको 20 मिनट के लिए मैं बॉईल होने रख रही हूँ। मैं इसको ढक दूँगी। ट्वेंटी मिनट हो गए हैं, हमारी दाल रेडी है। आप देख सकते हैं मेरी दाल बॉईल हो गई है। अब मैं इसको एक छन्नी में डाल के इसका सारा पानी गिरा दूंगी। दाल मैंने एक छन्नी में छान ली है। मैं इसको हिलाऊंगी, जो पानी रह गया होगा वो निकल जाएगा। दाल को ठंडा होने के लिए रखा है। दाल ठंडी हो गई है, अब मैं इसे का पानी निकाल के चलें। अब हम दाल को रेडी करते हैं। हाफ कप हमने ऑयल डाला, 1/2 कप ऑयल गरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इन दोनों को अच्छी तरह मैं फ्राई कर लूँगी। अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। अब इसमें डालूँगी टमाटर। टमाटर के मैंने बीज निकाल लिए थे। प्याज को 2 मिनट के लिए हम ढक्कन हटाकर, हमारे प्याज
प्याज एंड टमाटर दोनों सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, पिसी हुई मिर्च और हल्दी। गरम मसाला, गरम मसाला हम बाद में डालेंगे, पहले हम डालेंगे पिसा हुआ ज़ीरा और ये कुटी हुई मिर्च और नमक। अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है, आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं और अच्छी अच्छी रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। हमारा मसाला भुन गया है अच्छी तरीके से। अब हम इसमें डालेंगे दाल बॉईल हुई भी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अगर मसाला हमारा अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो देखते हैं ना कहीं नमक आ रहा होता है और कहीं नहीं आता, तो इसलिए हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैंने इसमें डाला गरम मसाला, गरम मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालूंगी चॉप हुई हुई हरी मिर्च है। अदरक हमने गार्निश के लिए रख दिया है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसका ढक्कन ढक देंगे ताकि हरी मिर्चें कच्ची ना रहे। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे और फ्लेम को ऑफ करेंगे। देख सकते हैं हमारी दाल बन गई है। हम इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारी दाल रेडी है, कैसी लग रही है व्यूवर्स।